डाइस पर तशरीफ फरमा, रियासत तेलंगाना के फाइनेंस व हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब का मैं मिन जानिब एहलियाना ने पुराना शहर और मेरे साथी अराकीन असेंबली और निज़ाम यूनानी तिबी कॉलेज की जानिब से मिनिस्टर साहब का इस कैंपस में यहाँ पर खैर मुकदम करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर हेल्थ जनाब रिजवी साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ हम सब की जानिब से और आप तमाम की जानिब से। और आयुष की मैडम साहिबा का भी मैं, अर्शनी मैडम का भी इस्तकबाल करता हूँ आप सब की जानिब से और हमारी जानिब से। दीगर जिम्मेदारान जो यहाँ पे बैठे हैं स्टेज पर, इन सब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। और आज की जो तकरीब है, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स में कहूँगा, उनके लिए बूस्टर वैक्सीन का जो आगाज किया गया है, उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। और सारे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बहुत ही कामयाबी के साथ, सक्सेसफुली इसको लेकर चल रहा है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि सारे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को मुबारकबादी देता हूं मैं अपनी जानिब से और आप सब की जानिब से। और आवाम से ये अपील करता हूं कि आप एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी जितना हो सकता है मुमकिन करिए, और उसके साथ साथ वैक्सीन लीजिए। अफवाहें और गलत प्रोपोगंडे फैलाए जाते हैं कि वैक्सीन लेने से ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये सब गलत है। अगर आपको कोविड को शिकस्त देना है, कोविड से महफूज रहना है, तो वैक्सीन लेना इंतहाई जरूरी है। और जो वैक्सीन लेगा उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोविड से बच जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर कोविड होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन शायद जरूरी ना हो, और अगर आप वैक्सीनेटेड रहेंगे तो शायद आपकी जान को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब होंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम वैक्सीन को लें। और आज के इस प्रोग्राम के आगाज पर ही आपके मुतालिका रुकन असेंबली जनाब मुमताज अहमद खान साहब ने वैक्सीन लिया, और फिर अवाम में एतमाद को बहाल पैदा करने के लिए और जनाब याकूतपुरे के एमएलए साहब जनाब अहमद पाशा खादरी साहब ने भी वैक्सीन लिया है। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपसे कि आप भी अपने जानने वाले, पहचान जिनसे आपकी है, जिनसे मुलाकात होती है आपकी, जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं, खानदान के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको तरगीब दें कि वो आगे बढ़कर आए और वैक्सीन को लें। वैक्सीन से ही हम कोविड को शिकस्त दे सकते हैं। और मैं जानता हूं कि यहां पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें बेचैनी है, उनके कॉलेज के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके हॉस्टल के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके फैकल्टीज के ताल्लुक से भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से भी। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हमने अभी मिनिस्टर साहब से तफसीली मीटिंग की, और जो भी आपके मसाइल हैं उन मसाइल को
मिनिस्टर साहब के सामने पेश किया। जैसा सबसे पहला और अहम मसला मैं कहूंगा वो ये है कि ये पुरानी खदीम इमारत को मेंटेन करने का है और बिल्कुल ही खराब हो चुकी है बिल्डिंग। बारिश में कई जगह पे पानी टपकता है और इसकी वजह से बिल्डिंग मुतासर हो रही है। इससे पहले भी हमने कुछ पैसे मंजूर करवाए थे, काम का आगाज हुआ था लेकिन उसके बाद में काम किसी वजह से रुक गया, तो वो भी तफसीलात हमने मिनिस्टर साहब को पेश की है। तो पुराने एस्टीमेट्स तो रेडी हैं कि क्या क्या बिल्डिंग को रेनोवेशन के लिए कौन से काम करना बाकी है। उसके बाद भी एक नया एस्टीमेट भी अगर जरूरत पड़ता है तो वो भी बनाने का मिनिस्टर साहब ने अहकाम जारी किया है और कहा है कि अगर कोई जरूरत है और भी पुराना एस्टीमेट के अलावा भी और भी कुछ टेकअप करना है ये बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहां जो फैसिलिटीज नहीं है उस ताल्लुक से भी बात हुई, जो वैकेंसीज हैं उस ताल्लुक से भी बात हुई है कि इससे पहले फैकल्टी की वैकेंसी और स्पेस की कमी की वजह से पोस्ट ग्रेजुएट के सीट्स और आपके अंडर ग्रेजुएट के सीट्स भी रिड्यूस हुए थे, तो वैसे ही हालात फिर न हो। हमने मिनिस्टर साहब से पूरी तफसील में बात की, ऑडिटोरियम के ताल्लुक से भी बात की कि नया ऑडिटोरियम बनाना है बनाएंगे, और फिर बॉयज हॉस्टल के ताल्लुक से भी जो यहाँ पे इधर इस बिल्डिंग में है बॉयज हॉस्टल के बारे में भी बात हुई है, तो बॉयज हॉस्टल को भी इंप्रूव करना है। सिक्योरिटी का जो आपका मामला है उस ताल्लुक से भी बात की गई है, और मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बात मिनिस्टर साहब से ये कहा है कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसको डिजिटलाइज किया गया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया गया था, उसको डिजिटलाइजेशन को कंप्लीट कर जो भी हमारे बुक्स है उसको महफूज करना है और उसको बचाना है हमको। उस ताल्लुक से भी मिनिस्टर साहब ने नोट ले लिया है और तफसील जहां जहां पर भी प्रिंसिपल साहिबा ने भी एक पूरा रिप्रेजेंटेशन बनाकर दिया है कि कौन से काम करवाने हैं, इंशाल्लाह वो काम जरूर हो जाएंगे। आप लोग मुतमईन रहिए, और हमारी बारहा कोशिश यही रही है कि ये जो तालीम का निजामिया तिबी कॉलेज में तिबी तालीम का जो उर्दू मीडियम में जो ये होता है इसको बाकी रखें, इसको जिंदा रखें और इसको आगे बढ़ाकर और ले जाएं, और हम कोशिश करेंगे कि सारे हिंदुस्तान में आपका इदारा और ये इदारा न सिर्फ मशहूर तो है ही लेकिन यहां के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी हम इंप्रूव करें, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को भी इंप्रूव करें, क्वालिटी ऑफ केयर को भी करें। तो आप तमाम की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन पेशेंट्स भी लाए और लोगों को ला कर दें, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे इलाज आज यूनानी में जो है मैं नहीं समझता हूं कि किसी और में है। दुनिया तरक्की करने के बाद भी, जैसे कि मैं सबसे पहले 10 बरस तक ये मेरे हलके में आता था, चंद्रायन गुट्टा हलके असेंबली में था 10 बरस, लेकिन फिर बाद में हलके टूटने के बाद ये चार मीनार में आया, तो जब तक मैं था तो ये सारी इमारतें ये सब नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ही हम मंजूर करवा के आहिस्ता आहिस्ता यहां से इमारतों को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इंप्रूव किया। बाद में वो सिलसिला अहमद पाशा खादरी साहब भी रुकने असेंबली थे इस हलके के, तो उन्होंने भी काफी मेहनत की और इस इदारे की तरक्की के लिए उनकी जानिब से जो भी मुमकिन कोशिश थी वो की, और आज मुमताज अहमद खान साहब चार मीनार के रुकने असेंबली हैं, तो मुमताज अहमद खान साहब भी अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से जो भी मुमकिन तावुन होता है करते आए हैं ताकि आपके मसाइल का हल हो। हम सब आपके लिए हैं और इस इदारे की तरक्की के लिए हमारी जानिब से जो भी हमारी खिदमात है हम बराबर आधी रात को आपके लिए हाजिर हैं और आपकी खिदमत करने के लिए। और ये भी
मैं जरूर कहूंगा कि बहुत ही हरकियाती कहूंगा, उर्दू में कहते हैं हरकियाती मिनिस्टर हैं हरीश राव साहब के, कैसा भी वक्त निकालते हैं और जो भी मसला बोलते हैं सुनते हैं समझते हैं और अहकामात को जारी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यूनानी मेडिसिन में भी हरीश राव साहब का तावुन रहेगा इसकी तरक्की के लिए और आपके इदारे की तरक्की के लिए। मैं आप तमाम का फिर से बेहद ममनून हूं, मशकूर हूं और मैं फिर से एहलियाना ने पुराने शहर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और मेरे साथी अराकीन असेंबली निजामिया तिबी कॉलेज के स्टाफ स्टूडेंट्स की तरफ से आप तमाम का, हरीश राव साहब का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का और मैडम का और सब का इस्तकबाल करता हूं और फिर से ये अपील करता हूं कि वैक्सीनेशन पर तवज्जो दीजिए, आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज करते सैनिटाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए और आपको हमको सबको मिलकर कोविड को हमको शिकस्त देना है। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें हम सबको आपस में मिलकर काम करना है। काबिले मुबारकबाद हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, सबका, जो जो लोग ये कोविड की लड़ाई में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुबहाना उताला आपको, हमको, हमारे अजीजों को, हमारे बुजुर्गों को, सबको इस कोविड से महफूज रखे। जो लोग कोविड से मुतासर हैं उनको अल्लाह शिफा दे, उनको सेहत दे और आपको और हम सबको कोविड से महफूज रखे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी रियासत तेलंगाना को तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाए और सारे हिंदुस्तान में नंबर वन रियासत बनने में हमको अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके इस इदारे की हिफाजत करे, आपके इस इदारे को और तरक्की दे, कामयाबी दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।